आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन रेगुलेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइकोपेरॉन। जीन रेगुलेशन इसलिए पढ़ना ज़रूरी है और वो इसलिए हमारी बॉडी में होता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि जीन अगर कंटिन्यू वर्क करते रहे तो उसमें एनर्जी लगता है, और जिस समय जिस प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं है, यूज़ नहीं है, तो उस समय उस जीन को ऑफ कर देना सही है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑफ कर देना सही है ताकि एनर्जी बच सके। तो जो ऑपेरॉन मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं उसको दिया था सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड ने इन ईयर 1961। लाइकोपेरॉन होता है इन बैक्टीरिया, और वी कैन से ऐसा एक बैक्टीरिया या कोई ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करता है लैक्टोज एज अ कार्बन सोर्स। तो बैक्टीरिया जो यूज़ करता है लैक्टोज को एज कार्बन सोर्स, तो लाइकोपेरॉन उसमें होता है। अब हम देखेंगे कि ये जीन रेगुलेशन है, मतलब वो कब ऑन रहता है, कब ऑफ होता है, ये सब। क्योंकि लाइकोपेरॉन एक ही एमआरएनए में बहुत सारे जीन रहते हैं, यहाँ पर होता है प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर और कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड, वाई और ए। तो खूब सारे जीन एक ही एमआरएनए में है, तो ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जो मैंने ये ऑपेरॉन बनाया हुआ है, इसमें जो मैंने ये अल्फाबेट्स लिखे थे वो किस चीज़ के लिए है उसको पहले लिख लेते हैं। तो पी है फॉर प्रमोटर, आई फॉर रिप्रेसर, ओ फॉर ऑपरेटर, और ये तीनों हैं स्ट्रक्चरल जीन। इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसको रेगुलेट करना है थ्रू दिस ऑपेरॉन मॉडल, ठीक है। तो प्रमोटर का क्या काम है, यहाँ पर एमआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, वो आकर बाइंड होता है और फिर उसमें स्लाइड करता है थ्रू स्ट्रक्चरल जीन और इनको ट्रांसक्राइब करता है, फिर बाद में उनका ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड, वाई और ए, ये किसमें किसमें ट्रांसलेट होते हैं। तो जेड ट्रांसलेट होकर बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम, ठीक है। वाई ट्रांसलेट होता है इनटू परमीज एंड ए ट्रांस एसिटाइलेज, और ये जो तीनों एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं लैक्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाने में, ताकि उसको जो भी ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो उसको कंज्यूम कर सके। तो देख लिए हमने, प्रमोटर है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है, रिप्रेसर उसका फंक्शन मैं अभी बताऊंगी जब मैं इसका ऑन और ऑफ जो मोड है वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी कि ये रिप्रेसर क्या करता है, और ऑपरेटर का भी काम मैं तभी बताती हूँ। बाकी स्ट्रक्चरल जीन जो है जेड, वाई और ए, उसमें से कौन कौन से एंजाइम ट्रांसलेट होकर बनते हैं और उसका क्या फंक्शन है वो मैंने अभी बता दिया। तो चलिए देखते हैं इसका ऑन और ऑफ मोड कैसे होता है। चलिए देखते हैं फिर ऑन एंड ऑफ मोड ऑफ लाइकोपेरॉन, ठीक है। तो पहले मैं दोनों साइड लाइकोपेरॉन का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, सी लाइक दिस। तो यहाँ हो गया प्रमोटर, देन रिप्रेसर, ऑपरेटर एंड ऑल द थ्री स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसा ही बना लेते हैं। ये एक साथ बनाने से आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ऑन और ऑफ मोड में क्या
अंतर है दोनों में। एंड जेड, इसके बाद हम यहाँ इसको ऐसा बना लेते हैं, ये हो गया बैक्टीरिया के इनसाइड और ये आउटसाइड। सिमिलरली यहाँ भी इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, ओके। तो यहाँ ये है ऑफ मोड और दिस इज ऑन मोड, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसके सराउंडिंग में, इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जब लैक्टोज नहीं है, तो जब वो लैक्टोज नहीं है तो उसको ये सारे जो एंजाइम इन जीन, स्ट्रक्चरल जीन से सिंथेसाइज होते हैं या ट्रांसलेट होके बनते हैं, उसका यूज़ ही नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसको अभी उसको ऑफ रखना है। तो क्या होते हैं, ये जो रिप्रेसर है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और फिर इस mRNA का ट्रांसलेशन होता है और जिससे बनता है एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। ये हो गया इसके साथ बाइंड। जब RNA पॉलीमरेज आता है यहां प्रमोटर से बाइंड होता है, तो क्योंकि ऑपरेटर में ये ब्लॉकेज है, इस प्रोटीन ने ऑपरेटर में यहाँ ब्लॉक करके रखा हुआ है, इस वजह से जो RNA पॉलीमरेज है वो इसमें स्लाइड नहीं कर सकता। जब स्लाइड नहीं करेगा तो इनके ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और कोई भी एंजाइम फॉर्म या सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो ये तब होता है जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में या सराउंडिंग में, तो जब इसको इन एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, तो ये लैक्टोज डिफ्यूज करके सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और डिफ्यूज होने के लिए इसको जो एंजाइम चाहिए वो है परमीएज। अब हम देखते हैं परमीएज जो है वो तो तभी बनेगा ना जब ये ऑपेरॉन ऑन होगा, और वाई जब जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तब परमीएज बनेगा। अभी परमीएज कहाँ से आ गया, तो थोड़ा सा परमीएज का मॉलिक्यूल सेल हमेशा अपने पास रखता है, ताकि जिसकी वजह से लैक्टोज के अंदर डिफ्यूज हो सके, ठीक है, उसको कभी भी पूरा कंज्यूम करके ख़त्म नहीं करता। तो ये जो थोड़ा परमीएज सेल ने स्टोर करके रखा था वो हेल्प करता है लैक्टोज को डिफ्यूज होके सेल के अंदर आने के लिए या बैक्टीरिया के अंदर आने के लिए। अब देखते हैं ये रिप्रेसर ने क्या किया, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और इसने वो प्रोटीन बना दिया जो ऑपरेटर से जाके बाइंड होता है, ठीक है। अब ये बाइंड है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। जब लैक्टोज अंदर आता है, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा सा लैक्टोज बन जाता है एलो लैक्टोज, और जब एलो लैक्टोज बाकी सब लैक्टोज ही रहता है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा लैक्टोज आइसोमराइज हो गया, थोड़ा चेंज मॉडिफाई होकर जो एलो लैक्टोज बन गया है, वो इस जो प्रोटीन है जो ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बाइंड हो जाता है। मतलब ये जो प्रोटीन है जो ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ है, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो एलो लैक्टोज के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटर। तो जब एलो लैक्टोज होता है तो वो ऑपरेटर को छोड़ के इसके साथ बाइंड हो जाता है। जब यहाँ का जो ऑपरेटर को इसने छोड़ दिया और ऑपरेटर का जो ब्लॉकेज है वो हट गया, तब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होने के बाद आसानी से यहाँ स्लाइड कर सकता है। जब RNA पॉलीमरेज यहाँ स्लाइड कर पाएगा तब इन तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और इनके mRNA बनेंगे, फिर इन mRNA का ट्रांसलेशन होगा और तीनों जो एंजाइम है जेड से जो बनने वाला था बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वाई से परमीज, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम यहाँ पर
सिंथेसाइज हो पाए। अब ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, जो लैक्टोज है उसको ब्रेक कर देंगे इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा तो उसको फिर बैक्टीरिया कंज्यूम कर सकता है एज सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लैक्टोज ब्रेक हो रहा है और जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को ब्रेक करने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब ये सारा लैक्टोज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मीडियम में जितना था उसने बैक्टीरिया ने ले लिया और उसको कंज्यूम कर लिया। लास्ट में जब ये सारा लैक्टोज खत्म हो जाता है तो बैक्टीरिया इस एलो लैक्टोज को भी कंज्यूम कर लेता है। और जब जैसे ही एलो लैक्टोज खत्म हो गया तब ये जो प्रोटीन था रिप्रेसर जीन से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था वो फिर से फ्री हो गया और वापस से जाकर वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। जब वो ऑपरेटर से बाइंड होता है तो फिर से ये लैकोपेरॉन चले जाता है इनटू ऑफ मोड। ठीक है, तो इस तरीके से जो लैकोपेरॉन है या ऑपेरॉन मॉडल है इन द बैक्टीरिया वो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है उस जीन को जो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया को लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए, ताकि उसको बैक्टीरिया यूज कर सके। सो दिस इज हाउ लैकोपेरॉन वर्क्स।